हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ एक सिंपल सा माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें कि अपन ऑटोमेटिक जो शुगर केन फार्म है जो यहाँ पे उग रहे हैं, इसको अपने को तोड़ना पड़ता है। तो इसको ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और शुगर केन से जो है अपने को क्या मिलता है, अपने को पेपर मिलता है, जो कि अपने पास में मैप बनाने के और इंचेनमेंट टेबल के सेटअप में बहुत काम आता है, जिससे अपने को बुक्स बनाने के लिए बहुत जरूरत होती है। अपने को इससे शुगर भी मिलती है, तो चाहो तो केक बना सकते हो आप उससे। और ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए अपने को क्या क्या आइटम चाहिए होंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। इसके अंदर अपने को चाहिए होता है माइनकार्ट और एक हॉपर, जो कि अपन मतलब कि हॉपर को माइनकार्ट के अंदर डालेंगे। अपने को चाहिए होती है डबल चेस्ट, उसके अलावा चाहिए होती है अपने को रेल, जो कि पावर्ड रेल चाहिए होती है, और इसके अलावा रेल भी चाहिए होती है जो कि अपन अंदर से ले आते हैं। ओके, ये रही अपने पास में रेल, जो कि अपने को मिली थी जब अपन ने माइनशाफ्ट को जो है एक्सप्लोर किया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। चलिए अपन ने रेल ले लिए। और इसके अलावा पावर्ड रेल बनाने की रेसिपी क्या होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके लिए अपने को गोल्ड चाहिए होता है और अपने को रेडस्टोन चाहिए होता है। इसके अलावा सिंपल रेल बनाने के लिए अपने को केवल आयरन चाहिए होता है और एक स्टिक चाहिए होती है, इससे आप 16 रेल बना सकते हो। तो ये होती है अपने पास में रेल की रेसिपी। इसके अलावा अपने को चाहिए होती है रेडस्टोन टॉर्च, अपने को कुछ सॉलिड ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, तो कोई भी आप ले सकते हो, कोबलस्टोन वगैरह ले सकते हो। उसके अलावा डर्ट या सैंड चाहिए होती है, जिसके ऊपर शुगर केन जो है वो ग्रो करेगा। और अपने को बेसिकली ऑब्जर्वर चाहिए होते हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली एक रेडस्टोन का कंपोनेंट है, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर रेसिपी बुक में आप देख सकते हो, ऑब्जर्वर के लिए अपने को नेदर के अंदर जाना पड़ता है। क्वार्ट चाहिए होते हैं और दो रेडस्टोन डस्ट चाहिए होते हैं, ऊपर कोबलस्टोन, तो ये आपका ऑब्जर्वर बन जाता है। इसके अलावा रेडस्टोन डस्ट चाहिए होती है सर्किट बनाने के लिए, अपने को ग्लास के पैनल चाहिए होते हैं डेकोरेशन के हिसाब से, और टॉर्चेज या स्लैब चाहिए होती है, यानी उस चीज को ढकने के लिए। और उसके अलावा अपने को शुगर केन चाहिए होते हैं, शुगर केन उगाने के लिए सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले इनको खाली कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये एरिया जो है क्लीन कर दिया। यहाँ पर अपन जो है अपनी ऑटोमेटिक जो शुगर केन फार्म है वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर से मैं ले लेता हूँ चेस्ट और अपना हॉपर, पता नहीं यहाँ पे ट्रैप चेस्ट क्यों बनाई है मैंने। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि अपने को थोड़ा सा एरिया जो है वो डिग करना पड़ेगा इधर, और यहाँ पर जो है अपनी चेस्ट रख सकते हैं अपन, और इस चेस्ट से लगता हुआ जो है हॉपर जाएगा। हॉपर कैसे जाएगा, आपको क्या करना है कि आपको डक बटन जो भी आप शिफ्ट रखते हो या कंट्रोल रखते हो उसको दबाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये जो है इसके अंदर जा रहा है, आप कैसे चेक करोगे, इसके अंदर कुछ भी आइटम फेंकोगे वो हॉपर में ना जा करके चेस्ट के अंदर जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बारिश और होने लग गई है यहाँ पर, बहुत अच्छे। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है इसके आसपास में जो एरिया है उसको क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि अपन जो है ट्रैक है वो बना सके। और जो लास्ट है उसके नीचे क्या है, अपने को रेडस्टोन की जो टॉर्च है वो रखनी पड़ेगी, उसको पावर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पावर ब्लॉक ये नॉर्मल ब्लॉक, बट इसके नीचे जो है यहाँ पर जो है इसको पावर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है पावर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, इसके नीचे रेडस्टोन टॉर्च रखोगे तो ये पावर ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पर अपन रख देते हैं एक सॉलिड ब्लॉक, तो ये बन जाएगा अपना ट्रैक। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो है ट्रैक बिछाएंगे, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगी अपने पास में पावर रेल दोनों साइड में, और उनके बीच में जो है रेल आएगी, नॉर्मल रेल का ट्रैक। और इसके बाद में अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को चाहिए होगा हॉपर इन ए माइनकार्ट, यानी कि हॉपर चाहिए होगा अपने को माइनकार्ट के अंदर। और यहाँ से जो है अपन हॉपर बना लेते हैं। हॉपर के लिए कुछ नहीं करना होता, ये आ गया अपने पास में, बीच में एक चेस्ट आ जाएगी और ये आ गया अपना एक हॉपर। और हॉपर इन ए माइनकार्ट चाहिए अपने को, तो माइनकार्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, ऊपर हॉपर नीचे माइनकार्ट, ये हॉपर इन ए माइनकार्ट आ गया। इस हॉपर इन ए माइनकार्ट को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रख देंगे, और इससे क्या होगा कि ये मूव करने लग जाएगा, बट अपने को अभी नहीं कराना इसको मूव, इसको मैं अभी तोड़ दूंगा और इसको रख लूंगा। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके ऊपर शुगर केन को उगाने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, डर्ट या फिर सैंड के ब्लॉक। यहाँ पर अपना शुगर केन उगेंगे तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर सैंड के ब्लॉक लगाने पड़ेंगे आपको, या फिर डर्ट के ब्लॉक लगा सकते हो, मुझे लगता है डर्ट जो है वो ज्यादा सही रहेगी। ओके, यहाँ पर सैंड के ब्लॉक लगाने के बाद में क्या करना है आपको, इसके अंदर अपने को शुगर केन को उगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, अपने को वाटर चाहिए होता है। तो वाटर अपन कैसे लाएंगे, वाटर लगाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो थोड़ी सी स्टेयर्स चाहिए होंगी, एक काम करो आप यहाँ पर स्टेयर्स को लगाओ इस तरीके से, और इसके साथ में इसी लाइन में जो है आगे चलते जाओ। अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वाटर भरना है, जो जिसके लिए अपने को वाटर की बकेट चाहिए होगी, जो कि अपने पास यहाँ पर है। और ये लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है ब्लॉक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक भी लगा सकते हो, वो भी अच्छे लगेंगे, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बर्ड्स के लॉक्स अगर आप लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पूरे चारों तरफ, और इसको मैं स्ट्रिप करूंगा, इससे क्या होगा कि ज्यादा अच्छे लगेंगे ये। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप कर देता हूँ इसको, नाइस। और इसके पीछे जो है अपन सॉलिड ब्लॉक रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक रख सकते हो आप, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेसिकली बैक है, साइड है इसकी। इसके बाद में अपने को, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि अपने को चाहिए होते हैं पिस्टन। और पिस्टन बनाने की रेसिपी क्या होती है कि अपने को ऊपर चाहिए होते हैं वुड के प्लैंक्स, बाद में चाहिए होता है आयरन, एक रेड स्टोन डस्ट, और अपने को चाहिए होते हैं कॉबल स्टोन। तो इससे क्या होता है कि अपने को पिस्टन आ जाती है, बट अपने को कितने चाहिए, 8 चाहिए।
और पिस्टन को जो है अपन क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में अपने को लगाना है इसको उस डायरेक्शन में फेस करते हुए रख देते हैं या अपने पिस्टन, और पिस्टन लगाने के बाद में अपने को पीछे क्या कर सकते हैं, अपन एक सॉलिड ब्लॉक्स जो है वो लगा सकते हैं, मीन कोई भी ब्लॉक है, कॉबलस्टोन लगा सकते हैं आप या फिर डर्ट के ब्लॉक लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा देता हूँ और इसके ऊपर जो है अपन एक रेडस्टोन का सर्किट बनाएंगे ताकि ये जो पिस्टन है वो सही से काम कर सके। तो ये मैंने रेडस्टोन का सर्किट बना दिया और सर्किट बनाने के बाद में अपने को चाहिए होते हैं ऑब्जर्वर, जो कि क्या करें इस सर्किट से कनेक्टेड हो। वो कैसे करते हैं, ऑब्जर्वर को रखने की टेक्निक क्या होती है, जिस साइड में आपको ऑब्जर्वर को दिखाना फेस कराना चाहते हो उस साइड की तरफ देखते हुए उसको प्लेस कर दो, ये देखो। और इसके साथ में क्या होगा, रेडस्टोन की जो डस्ट है वो भी उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब बेसिकली क्या होगा, जब भी अपने शुगर केन ग्रो करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ऑब्जर्वर जो है इनको ऑब्जर्व करेगा और सिग्नल देगा कि ये जो पिस्टन है वो बाहर आ जाएगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जो है भाई अपने को शुगर केन लगाने हैं, बट अगर अपन अभी लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो शुगर केन है वो बाहर गिर जाएंगे। इसके लिए अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ पैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ग्लास के जो पैनल है वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, मैंने आप चाहो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लगा सकते हो, बट मुझे लगता है ग्लास जो है वो बहुत प्यारा लगेगा। और इसके बाद में जो है अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि शुगर केन लगा देते हैं और यहाँ पर जो है अपन अपना माइन कार्ट, जो हॉपर इन माइन कार्ट है वो यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि कहाँ पर है ये रहा। ओके, यहाँ पे अपना जो हॉपर इन माइन कार्ट है वो तैयार कर सकते हैं। फिलहाल जो है आपको चेक करा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर शुगर केन रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ग्रो कर दिया इसको, अब जैसे यहाँ पे शुगर केन जो है ऊपर आएगा तो ये काम करना चालू कर देगा, ये देखिए। अब मुझे जो है यहाँ पर साइड में भी है, यहाँ पर स्टेयर्स कुछ बनाना पड़ेगा। और इसके बाद में जब अपन यहाँ पर आकर के इसको चेक करते हैं तो इसके अंदर अपने पास में चार जो है शुगर केन के आ चुके हैं। अब ये जैसे ग्रो होगा नीचे गिर जाएगा और ये जो अपना सेटअप जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। मुझे बस केवल इसके ऊपर छत बनानी है, वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। वो छत इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये जो सर्किट है रेडस्टोन वाला वो खराब हो जाएगा। इसके ऊपर मैं छत बना देता हूँ जल्दी से। 6.5 hours later यहाँ पर जो है मैंने पूरा ग्लास का जो है वो सेटअप बनाया यार, पूरा ग्लास जो है। मुझे लगा कि शुगर केन फार्म है बेसिकली ग्लास सैंड इन सब का ही काम होता है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये अपनी एक शॉर्ट एंड स्वीट जो थी ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म को कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो थी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, और भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़े से छोटे क्रिएटर की भी मदद कर दो भाई। तो चलिए तब तक के लिए पीस आउट।